हेलो फ्रेंड्स, मैं श्रद्धा एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल ब्लॉग्स टू मैक थिंग में। आज हम बात करेंगे चाय के फायदे और नुकसान के बारे में। दोस्तों, चाय के फायदे और नुकसान जानने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकॉन का बटन दबाइए। चाय का नाम सुनते ही कई लोगों के मन में चाय पीने का विचार आ गया होगा, और हो भी क्यों ना, क्योंकि चाय न सिर्फ हमारे देश में बल्कि विश्व भर में पी जाती है। चाय, जिसे इंग्लिश में टी कहा जाता है, सभी लोग इसे अलग अलग तरीके से सेवन करते हैं, जैसे ब्लैक टी, लेमन टी, ग्रीन टी, और हमारे देश में तो लगभग हर घरों में चाय का उपयोग होता ही आ रहा है। इंडिया में 70% से अधिक लोगों के दिन की शुरुआत गर्मा गर्म चाय के कप के साथ ही होती है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो चाय पीना बिल्कुल भी पसंद नहीं करते और इसे पीने से परहेज करते हैं। उनका मानना होता है कि चाय स्वास्थ्य की दृष्टि से हानिकारक है और वह इसे अवॉइड करते हैं। तो आइए आज मैं आपको बताती हूँ चाय के फायदे और नुकसान के बारे में। वैसे चाय के शौकीन लोग चाय बनाने में कई तरह की सामग्री का उपयोग करते हैं, जिसमें कि अदरक, तुलसी, इलायची, काली मिर्च या चाय का मसाला, ये सभी अपने अपने स्वाद के अनुसार उसका उपयोग करते हैं, जिससे कि चाय का स्वाद दुगना हो जाता है। वैसे अधिकतर घरों में दूध से बनी हुई चाय का ही सेवन किया जाता है, परंतु आजकल हेल्थ को देखते हुए कई घरों में ग्रीन टी और लेमन टी मोस्टली यूज होने लगी है। आइए आज मैं आपको चाय के गुणों के बारे में बताती हूँ। सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे ऊर्जा का स्रोत। चाय पीने से ताजगी महसूस होती है क्योंकि कैफीन की मात्रा इसमें होती है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को कम करती है। वहीं चाय पीने से थकान भी दूर होती है और ताजगी का एहसास होता है। वहीं कई लोग आलस आने पर चाय से रिफ्रेश भी फील करते हैं। नेक्स्ट होता है वजन को नियंत्रित करना। ग्रीन टी और ब्लैक टी के उपयोग से लोगों का वजन नियंत्रित रहता है, क्योंकि इसमें दूध और शक्कर का उपयोग नहीं होता, जिसमें वजन कम करने में भी यह सहायक होती है। नेक्स्ट होता है लो कैलोरी। चाय भी कई तरह से बनाई जाती है, जिसमें सिर्फ चाय की पत्ती को पानी में उबाला जाता है और अदरक, तुलसी या नींबू डालकर पिया जाता है, जिससे यह सबसे लो कैलोरी वाला पेय पदार्थ माना जाता है। नेक्स्ट होता है सर्दी, खांसी और जुकाम से राहत। चाय पीने से सर्दी, खांसी, बुखार या कुछ छोटे मोटे संक्रमण से लड़ने में सहायता मिलती है, जैसे दूध में शक्कर, पत्ती, तुलसी, अदरक, इलायची, काली मिर्च, लौंग आदि डालकर पीने से छोटे मोटे रोग दूर हो जाते हैं। नेक्स्ट होता है गुड फॉर हार्ट। गर्म चाय की प्याली से शरीर में जमा हुआ वसा या फैट की मात्रा कम होती है और हार्ट स्ट्रोक का खतरा भी दूर रहता है और कोलेस्ट्रॉल की मात्रा भी काफी कम रहती है। नेक्स्ट होता है माइंड रिफ्रेशमेंट। यह हमारे मूड को भी ठीक करती है। चाय के अंदर अमीनो एसिड पाया जाता है, जिससे हमारी वर्क कैपेसिटी इंप्रूव होती है और हम अपने वर्क पर अपना ध्यान अच्छे से केंद्रित कर सकते हैं। नेक्स्ट होता है नींद को दूर करने में सहायक। चाय में कैफीन की मात्रा होती है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देती है। जैसे काम करते या पढ़ाई करते समय नींद आने पर आधा कप चाय नींद को भगाती है और वर्क पर अपना कॉन्सेंट्रेशन हम कर पाते हैं। नेक्स्ट होता है गुड फॉर वुमेन्स पीरियड। महिलाओं को चाय पीरियड्स टाइम में भी पीना चाहिए, जिससे हार्मोन्स का बैलेंस बना रहता है और पेट दर्द और आदि समस्याओं से राहत मिलती है। अब हम बात करेंगे चाय के डिसएडवांटेजेस के बारे में, यानी कि चाय के नुकसान के बारे में। कई लोगों के अनुसार चाय एक नशा सा होता है या लत की तरह होता है और बार बार कई लोगों को चाय पीने की आदत होती है, परंतु हमें एक दिन में एक दो कप चाय का ही सेवन करना चाहिए, क्योंकि अधिक चाय हमें नुकसान पहुंचाती है, क्योंकि कई लोग 8-10 कप चाय भी एक दिन में पी लेते हैं, तो यह हमारे शरीर में फायदे की बजाय नुकसान पहुंचाने लगती है। सबसे पहले बात आती है गैस की समस्या की। कई लोगों को खाली पेट चाय पीने से गैस और एसिडिटी की प्रॉब्लम्स भी होने लगती है। नेक्स्ट होता है नींद न आने की प्रॉब्लम। चाय में कैफीन की मात्रा होती है, जो कि हमारे नर्वस सिस्टम को एक्टिव कर देती है, जिससे कि हमारा माइंड सक्रिय होने लगता है, तो सोने से एक घंटे पहले तक चाय को नहीं पीना चाहिए। वहीं कई लोग अधिक चाय पीने के कारण ठीक से भोजन भी नहीं कर पाते हैं, क्योंकि चाय भूख को खत्म कर देती है। वहीं अधिक चाय के सेवन से बार बार टॉयलेट आने की समस्या भी बनी रहती है,
और चाय में मौजूद शक्कर की मात्रा हमारे शरीर में शुगर की मात्रा को बढ़ाती है, जिससे डायबिटीज पेशेंट को काफी प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैक्सिमम लोग दूध शक्कर से बनी हुई चाय पीना ही पसंद करते हैं। नेक्स्ट होता है येलो टीथ। अधिक चाय या कड़क चाय के सेवन से दांतों में पीलापन आने लगता है, इसलिए हमें चाय का सेवन भी सीमित मात्रा में ही करना चाहिए, वरना यह हमारे शरीर को फायदा कम और नुकसान अधिक पहुंचा सकती है। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं और वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।